हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज इजी। मैं आकृति, मैं यहाँ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपीज और उससे रिलेटेड इजी कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ बच्चों की फेवरेट मैक्रोनी विथ व्हाइट सॉस। साथ ही मैं इसमें चीज भी डालूंगी। इससे मैक्रोनी विथ व्हाइट सॉस खाने में बहुत ही डिलीशियस और चीजी लगेगी। मैक्रोनी के लिए व्हाइट सॉस भी मैं खुद ही तैयार करूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैक्रोनी को बॉयल कर लेते हैं। मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई डाली हुई है और इसी में मैं मैक्रोनी को बॉयल करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी डाला है और इसे ढक दिया है। हाई गैस फ्लेम पर पानी में उबाल आने देंगे। जब तक पानी में उबाल आता है तब तक वेजिटेबल्स में मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, गाजर और प्याज को चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी देर के बाद पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। इसके बाद मैं पानी में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और साथ ही मैंने नमक भी डाला है। इसी के साथ मैंने पानी में 1 कटोरी मैक्रोनी भी डाल दी है और मैक्रोनी को मीडियम गैस फ्लेम पर पकने तक इसे बॉयल करेंगे। बीच बीच में मैं इसे चलाती भी रहूंगी। लगभग 5 से 6 मिनट के बाद देखिए मैं मैक्रोनी को चेक कर रही हूँ कि ये अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर मैक्रोनी कुक हो गया है और गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। इसके बाद अब मैक्रोनी को गर्म पानी से बाहर निकाल देंगे ताकि मैक्रोनी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए और गर्म होने की वजह से ये ओवर कुक नहीं हो। और इसके बाद मैंने मैक्रोनी को 2 से 3 बार ठंडे पानी से अच्छे से वॉश किया है। तो मैक्रोनी अच्छे से बॉयल हो गया है और अब वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने फिर से गैस स्टार्ट करके सेम कढ़ाई डाली है और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। कुकिंग ऑयल के गर्म होने के बाद मैं इसमें सभी वेजिटेबल्स डाल रही हूँ और हाई गैस फ्लेम पर इन्हें लगातार चलाते हुए फ्राई कर रही हूँ। वेजिटेबल्स को हमें हाफ कुक करना है जिससे कि ये खाने में कच्चे भी नहीं लगे और साथ ही साथ खाने में क्रंची भी लगे। आप देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद वेजिटेबल्स का कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं सारी वेजिटेबल्स को कढ़ाई से बाहर निकाल रही हूँ। वेजिटेबल्स को बाहर निकालने के बाद अब मैं इसमें व्हाइट सॉस तैयार करूंगी। तो इसी ऑयल में, चूंकि यहाँ पे ऑयल बचा हुआ है तो उसी में मैं 1/2 टेबलस्पून मैदा डाल रही हूँ और इसे लो गैस फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक करना है ताकि मैदे का कच्चा फ्लेवर खत्म हो जाए। मैदे को अच्छे से कुक करने के बाद मैं मैदे में 1/2 ग्लास दूध डाल रही हूँ और दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि दूध में कोई लम्प्स नहीं पड़े। मीडियम गैस फ्लेम पर दूध में उबाल आने देंगे और दूध में उबाल आने के बाद मैं यहाँ पर 1 चीज क्यूब डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज लिया है और इसे दूध में डालने के बाद मेल्ट होने तक कुक करना है। इसी के साथ मैं इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब्स डाल रही हूँ। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके चीज के मेल्ट होने तक कुक करेंगे। थोड़ी देर के बाद देखिए चीज अच्छे से मेल्ट हो गया है और व्हाइट सॉस भी काफी गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। चीज में थोड़ा सा नमक रहता है तो नमक डालते समय इस बात का ध्यान रखना है। नमक डालने के बाद मैं इसमें अब उबली हुई मैक्रोनी और फ्राई वेजिटेबल्स डाल रही हूँ और सभी को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक लो गैस फ्लेम पर पकाऊंगी। देखिए, यहाँ पर मैक्रोनी ने व्हाइट सॉस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। एकदम बढ़िया परफेक्ट चीजी मैक्रोनी बनी है विथ व्हाइट सॉस। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करिए। रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए नई नई रेसिपीज देखने के लिए। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हेल्दी खाइए, खुश रहिए।